कैसे? बढ़िया। 9 बजे वाला है ना, 5 मिनट लेट है। अपने चेहरे को रंगीन करेंगे। मैंने बोला उनको पंजाबी में, थोड़ी ऐसी तैसी, थोड़ी मां ले जा बच्चा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी जस्ट शावर वगैरह लेके फ्री हूँ और टाइम हो रखा है सुबह के 11। बस 11 नहीं, 11:30। ओ मम्मी क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं करते आप? क्या कर रहे हो इतनी देर से? गाइस क्लीनिंग हो रही है आज, और ये ड्रम भी धोएंगे क्योंकि इसमें आटा डलेगा। और सुबह सुबह मैं काम भी कराया क्योंकि आटा पिसवाने के लिए देखना था, उदय आया मैं। किचन में क्या चल रहा है? ओ क्या बात है गाइस, किचन में बन रहे चावल और लग गए नीचे। क्या काले तो नहीं हो आप? भूल गए थे क्या? नहीं नहीं नहीं, सही है। ओ गाइस, इधर हमारे चने कट रहे हैं कट कट के। आप बोलत कि आटा नहीं है हमारे घर में? आटा तो है। नहीं नगद आटा चाहिए, किसी टाइम लाइट नहीं हुई, चक्की थी। धमाकेदार धूप निकली हुई है। और गाइस आजकल ना मैं बाहर नहीं जा रहा क्योंकि बाहर होला महल्ला की वजह से ना, हमारे नियरेस्ट अनंतपुर साहिब है, बोर साहिब गुरुद्वारा साहिब है, तो जिसकी वजह से ना यहाँ पे थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए भी अच्छा, क्योंकि आप लोग देखते हो बढ़िया होता है हमारा एरिया, तो लोग आते हैं टूरिस्ट घूमने के लिए, तो बहुत गाड़ियाँ ट्रैक्टर ऐसे ऐसे भाग रहे होते, तो मैं बाहर निकलना थी क्योंकि बाइक पर इतनी बुरी तरह से लोग भाग रहे हैं ना, तीन तीन ट्रिपल करके, और पता नहीं कैसे कैसे मेरे को ऐसा लगता है कि घर पर बैठूँ सेफ। गाइस जीरा राइस बनाया आज मम्मी ने। चले गए, फिलहाल खाना खाते हैं। खाने में आज चनों की सब्जी, चावल और हमारी फेवरेट चटनी। चावल मेरे को जितने मर्जी खिला दो, गर्मी हुआ मैं बहुत खुश होके खाता हूँ। कैसे हो गाइस? मम्मी थोड़े से नाराज कर दी क्योंकि मम्मी को जल्दी जल्दी खाना बनाया। मैंने सोचा कि आज ना थोड़ा बाहर खाना खाते हैं, पंकज जी आए होते, मेरा एकदम से प्लान बन गया कि हमने मूवी देख के आते। मम्मी बोला कौन सी? मम्मी नाराज होकर मेरे को नहीं करने दिए, तैयार नहीं होने दिए। मैंने चलो ऐसे चलो, मैं भी ऐसे ऐसी हूँ। और गाइस मूवी कौन सी देखनी है? जट नो चढ़ेगा टक्करी, वो देखेंगे मूवी। और फिलहाल ना पंजाबी मूवी देखी थी। चले गए चलते हैं, बहाने से आउटिंग भी हो जाएगी और मम्मी को भी अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा दिन रहा है क्योंकि प्रॉपर टाइम नहीं मिला क्योंकि 9 बजे का शो है। अभी 8:35 हो गया, आधा घंटा पहुंचने में लग जाएगा हमें, तो जल्दी जल्दी निकलते हैं। और कंचो पंकज जी भी वहीं पे मिलेंगे हमें। 5 मिनट लेट पहुंचे हम। मूवी देखने किसी को नहीं बुला रहा ये। और कंचन कैसे? बढ़िया। 9 बजे वाला है ना, 5 मिनट लेट है। मैंने तो फटाफट स्पीड बनाई है। चलो जा गया अपने मामू को। इसकी पहले ना हमने 10 बजे का सोचा कि चलो टाइम से फ्री हो जाएंगे, फिर हमने सोचा 9 बजे का कर लेते, 1 घंटा जल्दी फ्री हो जाएंगे। चलो है ना, वैसे ऑलरेडी 5 मिनट लेट है, जल्दी आ जाओ जल्दी। अनु जरा लिफ्ट चला दे जल्दी। पता सेकंड फ्लोर है नहीं, फर्स्ट फ्लोर ही है इसका। मैं सोचा पता लाइट अनवित ना करे यार, नीचे आ गए। अब फर्स्ट फ्लोर है, अब जाएंगे। पता क्या हुआ, अपन सेकंड फ्लोर कर दे रहे, सेकंड फ्लोर है नहीं, फर्स्ट फ्लोर है। अनवी तो मस्त हो गया इधर, इसको ऐसे प्लेग्राउंड नहीं। जालू थल्ले उड़िए, जब मैं पंखा चलावा लगता है। मम्मी आज फिर व्रत रख लिया। आज आज होली का व्रत है, पूर्णमासी है।
आज पूर्णमासी है तो 12 बजे कौन सा ये अर्घ दिया जा रहा है? अच्छा अच्छा गाइस, आज बाहर मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, बाहर बारिश हुई है हल्की सी और आई थिंक एक दो दिन मौसम ऐसे खराब चल रहा है। और आप सबको कल होली है, आपको अंकुश अग्निहोत्री फैमिली की तरफ से हैप्पी होली, और हम भी होली को मनाएंगे, अपने चेहरे को रंगीन करेंगे और कलरफुल होली आप सबके लिए बढ़िया हो और हम भी मल्टी कलर कर लेंगे। और एक चीज और था कि हमारी छत के ऊपर ना बार बार बंदर आ रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ उनको रोक रहा हूँ। सुबह 6 बजे आ गए थे, मेरे को नींद भी नहीं पूरी करने देती क्योंकि ना एक्चुअली हमारा ये वाला एरिया ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है, पता नहीं क्या हुआ रात को आते हैं छोड़ जाते हैं, वो इतनी तादाद बढ़ गई है ना यहाँ पे बंदरों की। सुबह ईंटें पड़ी हुई, मेरा सुबह उठा मैंने कहा ऐसे ठक ठक कर रहे कहीं ऐसे ना उठा के गली में फेंक दे, गली में कोई ऐसे कोई जा रहा होगा, बिछा के बैठे हुए। तो मैंने उनको एक दो बार बोला, डंडा उठा के लेके गया डराने के लिए मारने के लिए नहीं, मैंने बोला उनको पंजाबी में थोड़ी ऐसी तैसी थोड़ी मां ले जाए चक्के गुरीला, तो भाग के फिर नहीं आए मुड़के बार बार। एक्चुअली मेरे को पता क्या लग रहा है, मैं ना पानी रखता हूँ ऊपर तो पक्षियों के लिए रखता हूँ, तो ये आते हैं शरारतें करते, ये भी पानी पीते हैं, चलो अच्छी बात है पानी पी लो कोई बात नहीं, लेकिन क्या शरारतें तो ना करो। अगर मेरा ब्लॉग देखा है ना ये मंकी गैंग, तो प्लीज शरारतें मत करिए। तो वो देखो तुम तो मान लो ले चक्के गुरीला है, आए इधर इधर दांत दिखा रहा है मेरे, देख रहे डंडा है मेरे पास, मैं डंडा नहीं लेके आया। ओ यार गाइस कुर देखो कैसे बढ़ गया आम के पेड़ पे, वो देखो आम का पेड़ है गाइस, मैं डंडा नहीं लेके आया। वो देखो एक वो भाग रहा है गाइस, बहुत ज्यादा हो गया है, शरारते कर रहे हैं ना, पानी के लिए आते हैं मंजा खिसा के बैठते हैं और सुबह सुबह ईंटे ये तोड़ देंगे। मैं इसलिए आता हूँ, मेरे को ये था कि सुबह सुबह कहीं ना ईंटे उठा के कहीं ये सारी नीचे थी फेंकी हुई, कहीं ऐसे गली को नीचे फेंक दी ना कोई निकलता हुआ सिर टूट जाएगा। यहाँ पे आते हैं, आओ बैठो, खुद मना करते हैं कभी कभी तो क्या है पढ़ने बैठ जाते हैं यहाँ पे सुबह सुबह। ये देखिए ये सारा इन्होंने सीपीयू निकाल दिया, बार बार नीचे फेंक देते हैं, कह रहे कि इंजीनियर बनेंगे। एक्चुअली गाइस जो टाइम हो रखा है, एक्चुअली गाइस जो टाइम हो रखा है ना वो रखा है सुबह के 12:30 एक बज रहा है, तो मौसम कुछ ऐसे हो रखा है जैसे सुबह के 6 बजे। वैसे मैं 6 बजे उठ के आया था, और मैं सोचा कि अभी मैं वीडियो वगैरह एडिट करके बैठ सकता हूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें क्योंकि हल्का सा बॉडी को स्ट्रेच कर लेना आपका सारा दिन अच्छा निकल जाता है। और मैंने आपको बोला भी था मैं थोड़ा बाहर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कंचन का वीडियो देख लिया होगा, बहुत ज़्यादा क्राउड है हमारे इस एरिया में, तो होला मोहल्ला की वजह से जिसकी वजह से मैं जाते हैं ट्रैक्टर वगैरह निकल रहे हैं, गाड़ियाँ निकालनी मुश्किल हो जाती है। अब बैसाखी को भी ऐसे ही होगा हमारे इस एरिया में, ये 1 मार्च में होली और 1 बैसाखी, उसके बाद फिर हल्का फुल्का रहता है, फिर फोन चलता रहेगा क्योंकि ना ट्रिपल कर करके ना लोग भाग रहे हैं, नशे के होते हैं और इतनी तेज तेज बाइक लेके, तो खुद बच के रहो, इनका कुछ नहीं पता, 1-2 दिन के लिए आए इनको घूमने दो, खुद अंदर बैठो, कोई ऐसे ना हो कि हल्की फुल्की किसी से गाड़ी टच कर गई, तो इस हिसाब से चलाते हैं लोग तो भाई लेने के देने पड़ जाए। तो चलिए गाइस फिलहाल नीचे चलते हैं, मम्मी ने खाना वगैरह तो खिलाया नहीं और मैं बंदरों की रखवाली के लिए आया था, आया का पोटी यहाँ पे कर जाते हैं हमारे खेत में बोल रहा हूँ छत पे, तो काफ़ी मज़ा भी आ रहा है इनको। और कल गाइस हम मूवी देखने गए थे जाट नो चुड़ैल टकरी, अच्छी मूवी है बट सेम करेक्टर बार बार देख के ना तो थोड़ा सा पंजाबी मूवी है ऐसे, मतलब मेरे को पिछली बार देखी कैरी ऑन जट्टा 3 बहुत थोड़ी ज़्यादा बढ़िया थी, बट 2 थी पता नहीं 3 थी ये तो नहीं पता, बट ये एवरेज थी फिल्म, बट इसका एक ही गाना बढ़िया है हाइबू वाला, बाकी तो कुछ ठीक ठाक ही थी, कुछ ज़्यादा अच्छी स्टोरी भी नहीं लगी मेरे को। सही रिव्यू बता रहे हैं आपको, अगर आप देख रहे हो आपको कैसी लग रही है आप भी कमेंट करके बताना जितनी उन्होंने देख ली है, और देखनी जरूर चाहिए एक बार, एक होती है ना मूवी को आप एक बार देखने के बाद दोबारा देखो दोबारा देखो दोबारा देखो, जैसे 3 मूवी और बहुत सी ऐसी मूवीज़ हैं जिनको हम दोबारा भी देख लेते हैं, ये मूवी ऐसी थी एक बार देखने के बाद मैं तो नहीं दोबारा जाऊँगा, ये मेरे रिव्यू है, बाकी सबका अपना अपना होता है। चलिए गाइस फिलहाल छोटे से ब्लॉग के यहीं पे एंड करते हैं, और कल हमारा ब्लॉग इसलिए नहीं आया, हम मूवी देखने चले गए और थोड़े से हम परेशान भी थे, फिलहाल इस वीडियो पे यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय। और मैं साथ साथ ब्लॉग कर रहा हूँ रखवाली कर रहा हूँ छत पे कि हमारे छत पे बंदर ना पाए, वैसे मैंने उनको बोल दिया अगर दोबारा आए तो तुम्हारी अम्मा को ले जा चक्के गुरीला। क्या बात है गाइस, ये चरनामत और ये प्रसाद जी मम्मी ने बनाया है आटे का, बहुत टेस्टी लगता है मेरे को, पर थोड़ा सा खा लेते हैं, मैं थोड़ा सा खाया ये खाना, आप भी खाओगे? मैं ही खाऊंगा, नहीं हम चाय खाने, मैं शाम को खाने रोटी। आज क्या खाओगे भैया? आलू आलू नहीं खाने, हाँ रोटी खा लेनी। अच्छा अच्छा, आज अनार खा लेना, तुम देखो खा रहे हो आज नहीं खा सकते। मम्मी इन्हें व्रत मत रखा करो, आगे शुगर आपकी डामाडोल हो रखी है। ले रोज जाना उधर ही जाना।
चले गाइस फिलहाल इस वीडियो को ये बैठ करते हैं, मैं तो आपको अगले वीडियो होप ये बड़ा ब्लॉग अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय 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 बाय।